हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स मेरे चैनल अनंत एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट्स के आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड एस आपकी प्रपरेशन बहुत अच्छी चल रही है जैसे कि आपको पता है कि हम कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम्स के रिलेटेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैं डेली को डेली आपके लिए लेक्चर्स लेकर आती हूँ थ्योरी लेक्चर्स रहते हैं हमारे आ, तो उसके के रिकार्डिंग मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है दक्षिण भारत का इतिहास यानी कि साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री थी वो भी हमारी हिस्ट्री में बहुत मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लाइक पंजाब टेट हो गया सी टेट हो गया या फिर कोई मास्टर कैडर रिलेटेड के में एम में या फिर यू पी एस सी एस में जितने भी एस सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते ये एक बहुत ही ध्यान देने वाला टॉपिक है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो एक तो मेरे चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिए एंड शेयर करना मत भूलिए एंड सेकेंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए हो सकता है तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं ताकि आप ये नोट्स भी रेडी करिए वैसे तो मैं टेलीग्राम चैनल में पी डालती हूँ फिर भी अगर जो स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है लिखने में साथ साथ तो वो वो लिख सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में स्टार्टिंग में इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम इसका परिचय क्या है कि ये फिफ्टीन हंड्रेड ईस्वी से ट्वेल्व हंड्रेड ईस्वी के मध्य एशिया भारत में कई वंशों का उदय हुआ यानी कि इनके टाइम पीरियड क्या है फिफ्टीन टू ट्वेल्व हंड्रेड के बीच बीच में ठीक है इस टाइम पीरियड के बीच में मध्य दक्षिण भारत में काफ़ी ज्यादा जो वंश नए वंश वो सामने आए जिसमें से इनकी सीक्वेंस क्या है जैसे सबसे पहले पल्लव फिर उनके बाद वातापी चालुक्य और बेगी चालुक्य चालुक्य वंश दो टाइप के थे एक थे वातापी चालुक्य चालुक्य और फिर बेगी चालुक्य पल्लव के बाद ये दोनों आए एंड वातापी चालुक्य और बेगी चालुक्य के बाद आए राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट के बाद फिर से चालुक्य वंश था बट वो क्या था वो कल्याणी चालुक्य थे कल कल्याणी चालुक्य के बाद लास्ट वाला वंश कौन सा था चोल का ठीक है ये सारी इस सारी वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने इन सबका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि एक वीडियो में सारा कवर हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या रहता है हमारा सबसे पहले हम करेंगे पल्लव वंश के बारे में पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे सिंह विष्णु कब की बात है ये फाइव हंड्रेड सेवनटी सॉरी फाइव सेवनटी फाइव ए डी के आसपास की फिफ्टीन सेवनटी फाइव ए डी सॉरी और फाइव सेवन फाइव हंड्रेड सेवनटी फाइव ई डी के बीच में ये इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी क्या थी कांची कपिल का वस्तु सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा जो कावेरी नदी तक विस्तृत की थी यानी कि सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत की थी और सिंह विष्णु ने ममलापुरम में आदि विराट गुहा मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था सिंह विष्णु में ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि ममलापुर में आदि विराट गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो उसका आंसर रहेगा सिंह विष्णु अब किराता जूनियर का लेखक जो भारती सिंह विष्णु के तरफ किराता यूनियन एक किराता यूनियन का लेखक था जो भारती किराता यूनियन बुक किसने लिखी भारती ने एक ये किसके दरबार में थे सिंह विष्णु के दरबार में थे ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट रहते हैं हमारे नरसिंह वर्मन ये सब सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे पल्लव वंश के और इसमें वातापी को जीतकर वातापी कोड़ की उपाधि ली यानी कि इन्होंने नरसिंह वर्मा ने वातापी को जीतकर वातापी कोड़ की उपाधि मिली से और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मा ने ही करवाया यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया तो वो आंसर आता नरसिंह वर्मा ने अब इसी के समय जो सांग था वो कांची आया था ठीक है सांग जैसे कि आपको पता वो क्या था एक चीनी यात्री था ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आता है हमारा नरसिंह वर्मन सेकेंड अब इसने कांची में कैलाश मंदिर राज मंदिर का निर्माण करवाया था याद रहे नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाश मंदिर राज मंदिर का निर्माण किसने कराया नरसिंह वर्मन सेकंड ने अब इसी मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य कृष्ण की शुरुआत हुई और इसके साथ ही दश कुमार चरित्र के लेखक जो थे दंडी दश कुमार चरित किसने लिखी दंडी ने लिखी इसी के दरबार में रहते थे यहाँ से टू क्वेश्चन निकलते हैं दिस वन एंड दिस वन जैसे क्या है कि इस मंदिर में जो कि ये पूछा जा सकता है कि कैलाश मंदिर राज मंदिर में का निर्माण किसने कराया नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया और इस ये किसकी स्थापत्य हुई मन कृष्ण की स्थापना ठीक है अब दर्श कुमार चरित्र के जो लेखक थे एक क्वेश्चन निकलता है कि दर्श कुमार चरित्र के लेखक होना ये तो आपको पता चल गया दंडी और ये किसके दरबार में थे ये नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा वतापी चालुक्य वंश ठीक है वो पल्लव वंश यही तक था नेक्स्ट क्या आ जाता है वतापी चालुक्य वंश इसके संस्थापक कौन थे जय सिंह थे राजधानी क्या थी इनके वातापी और बतामी स्टूडेंट्स इन सारी वीडियो में मैंने जितने भी वंश थे सबके संस्थापक और राजधानी अलग अलग रखी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से ही किए जाते हैं पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन संस्थापक से रिलेटेड या अंतिम शासक से रिलेटेड या फिर राजधानी से रिलेटेड पूछे जाते हैं और या फिर उसके अलावा कोई जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं ठीक है इसके इसमें सबसे एक कौन थे पुलिक्स इन सेकेंड ये कौन थे इस वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था जैसे कि आपको पता है इसके संबंध में जानकारी जो थी एहोल अभिलेख से होल अभिलेख है उसमें पुलक सेकंड सेकेंड के बारे में काफी ज्यादा डिफाइन किया गया पुलक सेकंड सेकेंड है, जैसे हमें देख हमने पढ़ा है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था पुलक सेकंड सेकेंड ने हराया था ठीक है और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलक को हराया था ये दो क्वेश्चन याद रखना पुलकसेन ने किसको हराया हर्षवर्धन को और नरसिंह फर्स्ट ने किसको हराया पुलकसेन सेकंड को पुलकसेन सेकंड के समय जो थे वो वेंगी चालुक्य ही स्थापित हुए पुलकसेन के टाइम के समय ही व्यंगी चालुक्य वंश स्थापित हुआ और इस वातापी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन थे कीर्ति वर्मन सेकेंड ठीक है ये टॉपिक पुलक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आ जाता है वेगी के चालुक्य वंश जैसे हमने पीछे पढ़ा वातापी के चालुक्य वंश अब कौन से है वेगी के चालुक्य वंश इनके संस्थापक कौन थे विष्णुवर्धन थे इनकी राजधानी वेगी थी जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये कृष्णा गोदावरी के मध्य के भाग पर शासन किया इस ये स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि वेगी के चालुक्य वंश ने कहाँ पर राज किया कृष्णा गोदावरी के मध्य के भाग पर शासन किया ठीक है थीके? अब इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश इसके बारे में इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं है नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रकूट वंश इसके संस्था स्थापना किसने की दंती दुर्ग ने की ये राजधानी कहाँ की थी या खेत इसकी राजधानी खेत थी सॉरी राष्ट्रकूट वंश की संस्थापना दंती दुर्ग ने की और इसकी राजधानी खेत थी ठीक है अब इसी टाइम के कुछ और भी प्रमुख शासक थे कौन से राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्णदेव कृष्ण फर्स्ट ध्रुव गोविंद हो गए अमोघ वर्ष कृष्ण सेकंड और कृष्ण थर्ड ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड ही हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के यहाँ से क्वेश्चन निकलता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया तो जो आंसर आएगा कृष्ण फर्स्ट ने इसके अलावा कृष्ण फर्स्ट ने औरंगाबाद महाराष्ट्र के काश्य मंदिर का भी निर्माण करवाया ठीक है फेमस कौन सा था जो एलोरा का कैलाश मंदिर था अब राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहार के साथ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें शामिल होने वाला पहला शासक कौन था कृष्ण फर्स्ट ठीक है ये याद रहे नेक्स्ट आ जाता है इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था कृष्ण थर्ड कृष्ण थर्ड था इसी के दरबार में कन्नड़ कृषि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि कन्नड़ के जो कृषि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की वो किसके शासक में थे किसके राज राज में थे वो कृष्ण से थर्ड के थे और या फिर ये आ सकता है कि कृष्ण थर्ड के दरबार में जो कृषि रहते उन्होंने किसकी रचना की तो शांति पुराण की रचना की नेक्स्ट आ जाता है अब तैलप सेकंड जो कल्याणी चालुक्य ने राष्ट्रकूटों पर विजय स्थापित कर नए वंश की स्थापना की ठीक है अब तैलप सेकंड था जिसने राष्ट्रकूटों को हराकर एक नए वंश की स्थापना की नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रकूट शैव वैष्णव जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े थे जो राष्ट्रकूट वंश था वो किससे शैव वैष्णव और जैन है बौद्ध इन चारों धर्मों से ही जुड़े हुए थे एक धर्म से नहीं इन चारों धर्मों से जुड़े हुए थे अब एलोरा और एलिफेंटा गुआओं का निर्माण भी किसने करवाया राष्ट्रकूटों ने ही करवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है जैसे एलोरा अलो, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया तो वो राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था ठीक है अब ये गुफा का ये कुछ सीक्वेंस है अब गुफा नंबर एक से लेकर ट्वेल्व तक वन टू ट्वेल्व गुफा नंबर किससे रिलेटेड है किस रिलीजन से रिलेटेड है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है थर्टीन टू ट्वेंटी नाइन जो गुफा नंबर है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और थर्टी टू थर्टी फोर जो गुफा नंबर है वो जैन से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट क्या रहता है कल्याणी के चालुक्य वंश अब आ जाते राष्ट्रकूटों के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश इनके संस्थापक कौन थे तैलप सेकंड जिन्होंने किसको हराया राष्ट्रकूट वंश को इनकी राजधानी थी मान्याखेत या कल्याणी अब राष्ट्रकूटों को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश के राष्ट्रकूट के बाद देखो उसको राष्ट्रकूट के कृष्ण थर्ड को हराकर किसकी कौन से वंश की स्थापना हुई अब कल्याणी के चालुक्य वंश की इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था विक्रमादित्य सिक्स ठीक है इसका सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य सिक्स था मित्राक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना विधि वेता ने की ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता है कि मित्राक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना किसने की तो वो किसने की विज्ञानेश्वर ने ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट रहता है चोल वंश स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए नेक्स्ट आता है हमारा चोल वंश चोल वंश क्या है चोल वंश के संस्थापक कौन थे विजयालय इसकी राजधानी कौन सी थी तंजोर और तंजावर पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना हुई ठीक है स्टूडेंट्स अब जो पल्लवों के पल्लवों के सॉरी पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में किसकी स्थापना हुई चोल वंश की स्थापना हुई चोल वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे एक था राजा राज राजा राज फर्स्ट ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कर ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया राजा राज फर्स्ट ने किस से रिलेटेड था वो चोल वंश से रिलेटेड था अब राजा राज फर्स्ट ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहाँ के शासक जो महिम फिफ्थ थे उसको भागने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि हो सकता है आपको पूछा जाए कि श्रीलंका पर किस दक्षिण भारत के राजा ने आक्रमण किया था तो वो था राजा राज फर्स्ट ठीक है या फिर ये होता है उस टाइम पे जिस राजा राज फर्स्ट ने उस पर आक्रमण किया उस टाइम वहां का राजा कौन था तो था तो महिम फिफ्थ ठीक है नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद राजेंद्र फर्स्ट राजेंद्र फर्स्ट इस वंश का एक प्रतापी शासक ये भी इस वंश का प्रतापी शासक था और राजेंद्र फर्स्ट ने पाल शासक महीपाल को पराजित किया था ये याद रहे पाल वंश के शासक थे महीपाल राजेंद्र फर्स्ट ने उसको पराजित किया था और उसने गंगा कौट चोल की उपाधि ली उसको हराने के बाद उसको कौन सी उपाधि मिली गंगाकोट चोल तथा गंगा कोट पुरम को राजधानी बनाया साथ ही राजधानी के पास चोल गंगम नामक तालाब का भी निर्माण करवाया यहाँ से देखो कई क्वेश्चन निकलते हैं जैसे राजा ये पूछा जा सकता है कि राजा राज सॉरी राजेंद्र फर्स्ट ने किस पाल शासक को हराया तो महीपाल को हराया या फिर उसके बाद उसने कौन सी उपाधि मिली गंगा कोड चोल की उपाधि मिली और गंगा कोड राजधानी कौन सी बनाई गंगा कोड चोलपुरम को राजधानी बनाया और या फिर ये हो सकता है कि ये उसके पास तालाब का नाम क्या था तालाब चोल गंगम था ठीक है स्टूडेंट्स अब इस चोल वंश के लास्ट शासक कौन से रहते हैं अंतिम शासक कौन थे, थे राजेंद्र थर्ड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चोल वंश का यहाँ अंतिम शासक कौन थे तो वो राजेंद्र थर्ड थे संस्थापक कौन थे विजयालय थे सबसे प्रतापी शासक कौन थे राजेंद्र फर्स्ट ठीक है तो आई होप स्टूडेंट्स की आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ऐसे ही हम डेली टू तो डेली जैसे आपको पता है हम अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होएगा तो हम मैं आपके सामने एम सी क्यूज़ भी लेकर आऊँगे इसके हम डेली टू डेली लाइव क्लासेस में इसकी क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ पाएँ ताकि बाकी बच्चों को भी ये इस वीडियो का या फिर इस लेक्चर्स का फ़ायदा हो सके ठीक है स्टूडेंट्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय